अल्लाह कब्रों की बेहरमती हो रही है, हमारे भाइयों ने कोशिशें की हैं और उसी वजह से लेकर के एक बड़े मार्ग पर निकल रहे हैं। अल्लाह अपने फजल करम से जल्द से जल्द आसानी के साथ में मुसलमानों को पाकिस्तान की फरहमी के फैसले फरमा और अफसरान को और जिम्मेदारान को इसका मुतवजह फरमा। अल्लाह इस कोशिश को कामयाब फरमा। अल्लाह बदनीयती से फसाद से बिगाड़ से अल्लाह इस कोशिशों को महफूज फरमा। अल्लाह उसी सैयद साहब और उनके रुबका को जो इस कोशिश के लिए निकले हुए हैं बेहद कबूल फरमा। अल्लाह किसी तरह की बातचीत सियासत से और बिगाड़ वाले मामला से अल्लाह महफूज फरमा। अपने फजल करम से अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह ये इबादत का मामला है और मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत का मामला है। अल्लाह लाशे की खिदमत का मामला है। अल्लाह अपने फजल करम से इस मंजूर का कबूल फरमा। अल्लाह हमारे तमाम अल्लाह इन मेहनतों को कबूल फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में हमारे दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बोला आज क्या तासुरात है आपके? हाँ, तासुरात तो लोगों के रहते हैं। जमीयतुल उलमा की ये कोशिश है और उम्मीद है कि सैयद वसीम साहब इंशाअल्लाह कब्रिस्तान का मामला हल करवाएंगे इंशाअल्लाह। और जब तक कब्रिस्तान का मामला हल ना हो तब तक उनको चुप बैठना नहीं है। हमारा क्या जमीयतुल उलमा का साथ रहेगा और हर कोशिश में हम लोग इंशाअल्लाह उनके साथ साथ रहेंगे। हमको कब्रिस्तान चाहिए क्योंकि कब्रिस्तान ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बासित क्या मुफ्ती बासित साहब ये क्या क्या मसले हैं, ये किस किस तरह से जो परेशानियां हो रही हैं और क्या हल होना चाहिए इसका? इसका गुज़िश्त कई सालों से कोशिशें चल रही है जी और जगह जगह उसके ताल्लुक से पोस्टर और ये बातें खबरों में आती रही है कि फला जगह कब्रिस्तान मिल गया। और अब तक सूरत हाल ये है कि कब्रिस्तान की ज़मीनी हकीकत का पता नहीं है जी। वसीम सैयद साहब भी गुज़िश्त कई महीनों से इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं जी और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता अल्लाह ने चाहा तो इनकी कोशिशें कामयाब होंगी। सूरत हाल ये है कि अभी गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने एक मौलाना की कब्र के लिए गए थे, 4 से 5 खोपड़ियाँ निकली और काफ़ून का ये हाल था कि मट्टी देने वाले अपने मुंह पर रुमाल बांधे हुए थे, इतने ज़्यादा कब्रिस्तान से बदबू आ रही। ऐसी सूरत हाल में उमरा के लिए कब्रिस्तान सबसे पहला काम है। यहाँ की ट्रैफिक और बहुत सारे मसाइल में सबसे अहम मसला है जो बुनियादी ज़रूरत है मुसलमानों की, इंसानी ज़रूरत है। इस बुनियाद पर इसका मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, फ़ौरन मिलना चाहिए। और जमीयतुल उलमा जो है बग़ैर किसी सियासत के और बग़ैर किसी सियासी पार्टी की हिमायत के इस मुद्दे को, जो इंसानी ज़रूरत है और इस्लामी और मुसलमानों की ज़रूरत है, मुमरा की शहरियों की ज़रूरत है, इसकी हिमायत करती है और इसको आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी इंशाअल्लाह। जहाँ ये जिस तरह से इंतज़ामिया की लापरवाही और सौतेलापन है उसके मुतालिक आपकी क्या तसरत? उसके मुतालिक मैं सिर्फ एक कहूँगा कि हमेशा अगर मिल्लत मिल्ली वहदत के साथ मिलजुल कर अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो इंशाल्लाह कैसी भी इंतज़ामिया हो उसको हरकत में आने पर मजबूर होना पड़ेगा। बस मैं इतना और क्या कहूँ। वसीम भाई ये आज आप क्या सूझे आपको अचानक जो ये एकदम से आपने ये बीड़ा उठा लिया? नहीं, ये अचानक तो नहीं है, तकरीबन 1.5 साल से इसके पीछे मेहनत चल रही है और 2011 से तकरीबन इसके ऊपर लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं अगर ज़्यादा वो मैं थोड़ी अपनी याददाश्त को आगे करता हूँ तो 1999 से तकरीबन इसके लिए जो है वो मुमरा में आवाज़ उठाई जा रही है और जो है वो अब जब 2011 में पास होने के बाद जिस जगह कब्रिस्तान दे दिया गया है तो उस जगह को छोड़कर किसी अपनी मनमानी जगह के ऊपर काम करना और स्लॉटर हाउस छीन लेना तो ये मनमानी तो हम नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। और हम अभी इसीलिए कलेक्टर के पास जाके हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे, तकरीबन 200 के ऊपर एप्लीकेशन दिए, पिछले 1.5 साल से भाग दौड़ कर रहे हैं, RTI वगैरह डाली जा चुकी है। हर चीज़ के जवाब आने के बाद भी अगर इंतज़ामिया और यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर और उनके आमदार जो है अगर अपनी मनमानी पे उतरे तो हमारे पास जो है कानून ने हमें जो हक दिया है पदयात्रा करके धरना प्रदर्शन करके और अगर इसके आगे जो कोशिश कर सकते हैं उसके ज़रिए से हम कब्रिस्तान लेंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे जिस तरह के हालात पैदा हुए आपको पता है कि रात भर में यानी उलमा के मुतालिक जो अफवाहें फैलाई गई हैं उसके मुतालिक? नहीं, देखिए अभी कैसा है कि माशाल्लाह मेरे साथ इस वक्त बड़ी खुशी हुई आज उलमा को देखकर, उलमा है, मुफ्ती साहब है, कुछ लोग जो है जी वो कुछ बोर्ड लगाए उन्होंने शरारत पसंदी के तौर पर जी और हजरत मोइन मियां के नाम से जो है वो उन्होंने मैसेज चलाया। तो मैं ये वाजह कर देना चाहता हूँ कल रात में तकरीबन 12 बजे के बाद हज़रत मोइन मियां से मेरी खुद बात हुई, हज़रत ने अपनी दुआओं से नवाजा और कहा है कि
इस मुहिम को आप अच्छी तरीके से चालू रखें और इंशाल्लाह आगे चलकर हजरत भी जो मुमरा के कब्रस्तान की बात है वो मुहिम चलाने वाले। तो जिस किसी ने भी मतलब कि जिस किसी ने क्या जो नाम है मैं डायरेक्ट लेना चाहता हूँ, कोई आसिफ नाम का है लड़का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता लोग थे जिन्होंने हजरत मोइन मियाँ के नाम से मैसेज चलाया, तो ये मैसेज जो चलाया गया ये बहुत गलत है। जहाँ तक कि उलमाओं की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ है इस वक्त, मुफ्ती बासित साहब हैं यहाँ पे, और इन्होंने भी तायीदी खत अता किया है, उसी तरीके से जमीतुलमा हिंद महमूद मदनी ने अता किया, जमात इस्लामी हिंद ने अता किया, तो उलमा कब्रस्तान के हक में, मेरा ऐसा मानना है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। देखो ऐसा है कि हम लोग उमरा के बाशिंदे हैं, उमरा के हर एक जमीन पर हम रहवासियों का हक है और हक वहीं मिलना चाहिए जहां उसका हकदान जो है, जो जगह है वो हक वहीं मिलना चाहिए। आप हमको गुमराह नहीं कर सकते कि मैं आपको यहां दूंगा, मैं आपको वहां दूंगा। इतना याद रखना, अगर खुदा की लाठी चली तो मैं के गर्दन पे तलवार चलती है। ये हमारा हक है और हम हक वही लेंगे जहाँ पर उसकी जगह है। मैं इन सबका स्वागत करना चाहता हूँ, वसीम साहब का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आपने पूरे मुमरा की जो आवाज़ है वो आपने अपने कंधों पर लिए, आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम हैं। क्योंकि सिर्फ वो कब्रिस्तान का मसला नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियनों की दफन भूमि है, वह हिंदुओं का स्मशान भूमि है। तो एक काम के लिए आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हो, हिंदुओं का क्या, फिर क्रिश्चियन का क्या? हम सब एक है। आप आए थे राज करने के लिए, हम राज नहीं चाहते, हम सबको भाईचारे से एक साथ रहना चाहते हैं और ये दिखा रहे हैं हम भाईचारा। सर ये सर मुमरा में जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में ऐसा है कि पिछले 9 साल में भावना कहाँ गई वो हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा। हम भावना को ढूंढ रहे हैं कि ये भावना आई थी तो साथ में, लेकिन गई कहाँ पर? आप मैं बताना चाहता हूँ, जो वसीम साहब ने अपने कंधों पर जो बोझ लिया है ये बोझ हम उतारेंगे, ये जनता मुमरा की जनता उतारेगी ये बोझ। मुमरा के लोगों को आज अपनी मुकम्मल जगह के ऊपर कब्रिस्तान चाहिए। आप हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ इसलिए क्योंकि पहले से परंपरा है मुमरा की कि हम लोग सब एक साथ हैं, और एक दिन वो वक्त आएगा जब हमको एक होना पड़ेगा। शायद आज उसकी चिंगारी जल चुकी है, अब आग लगनी बाकी है। दीक्षित मैडम, ये जो मुमरा में जिस तरह से धार्मिक स्थलों पर राजनीति हुई है उसके प्रति आपके क्या प्रतिक्रिया? किसी की धार्मिक भावना दिखानी नहीं चाहिए, मेरी इतनी राय है धार्मिक राजकारण कोई भी ना करे, राजकारण सिर्फ इलेक्शन के टाइम करना चाहिए। बाकी हम लोग सब लोग मुमरा में कौसा में भाईचारे से रहते हैं, कौन किस मजहब का इससे मुझे जरूरत नहीं है। एक इंसान के नाते मैं इतना ही कहूँगी कि धार्मिक राजकारण बहुत गलत राजकारण है। अभी आप बरसों से हम उमरा में रह रही हैं, सब लोगों के साथ में वक्त गुजारा है आपने, नई नई बातें नए नए लोगों से सुनने को आ रही है, उसके के बारे में क्या? नई नई बातें नए लोगों से सुनने में आ रही है, लेकिन हम लोग पुराने लोग हैं, हमें यहाँ के राजनीति भी मालूम है, यहाँ का सब चीज़ मालूम है, इसलिए हम पुराने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सुधीर साहब, आप शिवसेना पार्टी से, तो आप सैयद वसीम की पदयात्रा जो मुमरा शहर के कब्रिस्तान शमशान भूमि और चर्च के लिए लड़ा, आप इनको समर्थन देते हैं खुले? देखो वसीम सैयद हो, सुधीर भगत हो, आखिर में क्या है, हम मुमरा वाले, हर एक वो मुमरा वाला जो मुमरा की बात करेगा हम मुमरा वाले उसका साथ देंगे। आज ये जो मसला है आप दिखा रहे हो कुछ और, आप स्लॉटर हाउस कहाँ दोगे फिर हमको? 20 साल लग गया स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन के ऊपर, 20 साल से स्लॉटर हाउस मिला नहीं है। अगर वो स्लॉटर हाउस अगर हटता है तो फिर और 20 साल आ रहे, हमारी पीढ़ी को कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं? क्या फिर भी हम लोग छत के ऊपर ही अपने? सर एक प्रश्न मी विचारतो, तुम्हाला काय वाटतं मुंबईमध्ये विकास कामं झालेत की नाही हे प्रश्न? झालीत ना विकास कामं, शिवसेनेच्या गव्हर्नमेंटने केलेली आहेत विकास कामं। कोण नाही म्हणत, इतक्या नगरसेवकांनी केलेली आहेत कामं, बाकी कोणी नाही केलेली आहेत। आम्ही वार्डाच्या साठी कामं करतो, तुम्ही या ना, आम्ही तुमचं स्वागत करतो, परंतु जी कामं झालेली आहेत ती नगरपालिकेच्या माध्यमातून झालेली आहे। म्हणून शासनाच्या माध्यमातून जर करायची असतील तर तुम्ही तुमचा झेंडा बुलंद करा, पण जर नगरपालिकेच्या माध्यमातून करायची असेल तर नगरसेवक त्याला जिम्मेदार आहेत, नगरसेवक
प्रस्ताव नगरपालिकेत मंजूर होतात ते नगरपालिकेची काम आहेत ना. शासनात मंजूर झालं असेल तर ते शासनाची काम आहे. नगरपालिकेनं मंजूर हुआ तर नगरपालिका. और मैं एक बता रहा हूँ कि साहब आप डबला डबल करना बंद कर दो. आपका काम आप करो, जनता को जनता का काम करो. मैं तो यहाँ से एक ही खाली मैसेज देना चाहते हैं समर्थन करता है सामाजिक मी मुमरा वाला साठी करतो. हा मुमरा वाला आहे आणि मुमरा वाला जिथे असेल मी त्याला समर्थन करतो. हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो मुमरा में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की रही है वो हमेशा से कायम रहे. हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई हम सब एक साथ भाई भाई हैं और हम सब मिलकर अपना हक लेकर रहें. बहुत बहुत शुक्रिया.